गुड मॉर्निंग। मैं अभी तो दोपहर का टाइम हो गया, सुबह में गया था वर्क करने, अभी रिटर्न हो रहा हूँ क्योंकि जगह ढूंढना और फिर बैठना और जल्दी सुबह में ठंड की वजह कुल ठंड होती है तो मज़ा आती है। तो गया था जल्दी सुबह 7:30 बजे था और बैठ के एलियन के पार्ट वन बना रहा हूँ। इसमें टाइम लगता है और जैसे आज के जो एटमोसफेयर हैं बहुत बढ़िया है क्योंकि विंटर टाइम आया है। पहले मैंने जो किया था वो विंटर नहीं, वो समर था और ये विंटर लैंडस्केप होगा। सब जितना कर रहा हूँ सब विंटर लैंडस्केप होगा। और फ्रीडम काम करने की मेरी हैबिट है, मैं कभी स्केच भी डालता नहीं हूँ, सबका पसंद में आ जाते हैं। कलर का पसंद पकड़ता हूँ, कलर पकड़ के ही काम करता हूँ। मॉडर्न आर्टिस्ट बहुत सारे हो गए, इसमें वान गोग ने बिल्कुल ऐसे ही काम किया है। फ्रीडम जहाँ जहाँ कलर देखा हो कलर डाल के और काम किया है, और ये काम भी मैं ऐसे ही कर रहा हूँ। उसके बाद अलग है, बहुत महान है और बाहर ऐसा तो बनना वहाँ बहुत पक्के बनना पड़ता है ना। तो हम तो थोड़ा कोशिश करते हैं और आप भी कोशिश कीजिए, देख के घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो कलर हैं वही कलर डाल रहे हो, फिर 1, 2, 3, 4, 5 तक होता है तो मेरे फर्स्ट पार्ट हैं, और इसके बाद जो बाकी रहा वो सेकंड होगा बाकी। और ऐसे करके हम टनल जो कहते हैं लेयर पूरा होता है, सेकंड लेयर पूरा होता है, वो हिसाब से काम करते हैं। और एक लिक्विड फ्रीडम फर्स्ट यूज करना, सेकंड कम करना और थर्ड में बिल्कुल कम करना होता है, ऐसा ही काम चलेगा। यहाँ मैं आज शायद मुझे लगता है फर्स्ट कोटिंग करने के बाद उसे स्टार्ट कर सकूँगा, तब तो हमारा जो एटमॉस्फेयर का जो सनलाइट है वो भी टॉप पर आ जाती हैं, थोड़ा सा वो देते हैं तो मुझे टाइम तो लगेगा। ज़रूरी है इस संभाल के काम करना ज़रूरी है। सब कलर का बॉर्डरिंग होता है, वो बॉर्डरिंग छोटे छोटे ही कलर जाने नहीं देना, पकड़ के रखना, तभी आप लैंडस्केप को ब्यूटीफुल बना सकोगे। तो ये स्टार्ट किया है मैंने, आज ही शायद आज नहीं पूरा होगा, कल भी शायद नहीं पूरा होगा क्योंकि अब मैं डिटेल में जाऊंगा ना, तो डिटेल में जाने के लिए मैं बोला ना कि एक एक कलर पकड़ के करना है, कहाँ कौन सी लाइट है वो डालो, कहाँ कौन सा प्रोपोर्शन है वो डालो, कौन सा ट्री है कैरेक्टर ट्री कैरेक्टर वो कलर में पकड़ के डालना पड़ेगा। उसकी हाइट प्रपोर्शन हो ऑटोमेटिकली हमको कलर से मिल जाएगा, कलर डालते हैं ऑटोमेटिक बहुत ब्यूटीफुल हो जाता है। इसमें ज़्यादा कंपोजिशन का ये सोचना नहीं होता है, बस कलर बॉर्डरिंग करो और उसके लिए आप स्केच करना भी आवश्यकता नहीं है। हाँ, 1, 2, 3, 4 करते करते आपका हैबिट हो जाएगा कलर देख के काम करने का, कलर एंड प्रकाश। तो सडनली ऑटोमेटिक प्रकाश देखोगे और कलर देखोगे तो डार्क तो ऑटोमेटिक आ जाएगा, उसकी बॉर्डर में जाओ ओके कलर।